हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपका पीसी जैसे ही स्टार्ट होगा तो वही वॉइस कमांड प्ले करेगा जो वॉइस कमांड आप उसे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक नई चीज़ है तो आज कुछ अलग सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेस्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और इसमें कुछ कीवर्ड्स हमने टाइप करने हैं। चलिए टाइप करके मैं लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने कीवर्ड्स एज इट इज टाइप करने हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे स्मॉल लेटर है फ्रेंड्स, वहाँ पे स्मॉल लेटर, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ पे कैपिटल लेटर इज इक्वल टू। उसके बाद हम एड्रेस को नो, और यहाँ पे आपने वो वॉइस कमांड डाली है जो आप अपने पीसी को देना चाहते हैं, या वो वॉइस कमांड लिखनी है जो आपका पीसी ओपन होने के बाद प्ले करेगा। चलिए यहाँ पे मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ, इन्फोटेक एंटरटेनमेंट। टाइप कर देने हैं इस टैग डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपने स्पीच डॉट, यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल लेटर है स्पी, वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है फ्रेंड्स, और उसके बाद स्पीच के बाद वापस स्पीक रनिंग। ये कमांड लिख लेने के बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसको सेव एज करना है। तो चलिए हम इसको सेव एज कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव एज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जो आप फाइल नेम देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने कोई भी फाइल नेम दे दीजिए, लेकिन उसके बाद आपने डालना है, जैसे वॉइस नेम दिया उसके बाद डॉट के बाद आपने इसमें डालना है VBS, यानी नेम डॉट VBS कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको आपने सेव कर देना है फ्रेंड्स। चलिए इसको सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल है सेव हो गई है, तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी फ्रेंड्स। अब आपने फ्रेंड्स इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इस फाइल को कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स, आपने कमांड दबानी है विंडो R, और जो रन कमांड ओपन होगा उसमें आपने कमांड लिखनी है फ्रेंड्स, शेल सेमी कॉलम स्टार्टअप। देखिए नीचे कमांड आ गई है, तो आपने ये कमांड टाइप करके इसको ओके कर देना है फ्रेंड्स। जैसे हम ओके करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा फ्रेंड, और जो फाइल हमने क्रिएट की है वो फाइल हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और यहाँ से इस विंडो को हमने क्लोज कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने वो फाइल बनाई थी उसको यहाँ से डेस्कटॉप से हमने दोनों को डिलीट कर देना है। तो चलिए हम इनको डिलीट कर देते हैं, और अब आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। तो चलिए हम अपने पीसी को फ्रेंड्स रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ये पीसी रीस्टार्ट हो गया है, और जैसे ही ये पीसी स्टार्ट होगा तो आपको वॉइस कमांड सुनाई देगा।